देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। विधायक पहुंचे कोविड हॉस्पिटल, जाना कोरोना मरीजों का हाल, क्या है ये पूरा मामला? आइए डालते एक नजर इस मामले की जानकारी पर विस्तार में। यूपी के जनपद बुलंदशहर में खुर्जा के जटिया कोविड अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए स्थानीय विधायक विजेंद्र सिंह अस्पताल के CMS को साथ लेकर कोरोना मरीजों का हाल व व्यवस्थाओं का हाल जानने पहुंचे, जहां कई मरीजों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया तो अधिकांश कोरोना पीड़ितों ने दवा व ऑक्सीजन गैस समय पर मिलने का दावा किया। इस दौरान CMS ने यह दावा किया है कि दवा एवं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और जरूरत के अनुसार मरीजों को दी जा रही है। अधिक डोज देने पर मरीजों की हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है, इस कारण अधिक डोज नहीं दी जा रही है। साथ ही स्थानीय विधायक ने पर्याप्त मात्रा में दवा एवं ऑक्सीजन के साथ सभी कोरोना योद्धाओं से अच्छे व्यवहार की चेतावनी दी है। साथ ही विधायक का कहना है कि यदि अगर कोई भी डॉक्टर कोरोना वायरस मरीजों से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा और दुर्व्यवहार करने वाले दोषियों के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की जाएगी। जिसको लेकर CMS ने कहा कि सभी डॉक्टर कोरोना योद्धाओं से ठीक से बात कर रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आ रही है। यदि अगर किसी मरीज को कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दूर किया जाएगा और अस्पताल में समस्त मरीजों को जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का टोल फ्री एवं सरकारी और प्राइवेट नंबर भी उपलब्ध करा दिया है। विधायक जी, आज आपने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया था, क्या खामियां पाई गई हैं हॉस्पिटल के अंदर? मैं आज कोविड अस्पताल में गया था अंदर और PPE किट पहन के गया था और वहाँ पर मुझे बाहर वो तीमारदार भी मिले थे, उसके जो जितने भी मरीज हैं वहाँ पर मैंने उनसे भी बात की थी। तो तीमारदार अवजर भावुकता में जैसे कह देते हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं और माता हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी का भाई है, कि व्यवस्था अंदर ठीक नहीं है, कोई एक आध लोग कह देते हैं, लेकिन अधिकतर उन्होंने वैसे व्यवस्था सही बताई वहाँ पर। तो PPE किट पहन के मेरे संग वो RC वर्मा जी हैं, CMS साहब, वो भी गए थे, हम दोनों गए थे। तो हमने जाके मरीजों से सभी से बात करी तो हमारे वहाँ पे ऑक्सीजन की दवाई गोली की व्यवस्था हमको कहीं तक ठीक मिली और एक दो मरीज उसमें थे वो बता रहे थे कि ऑक्सीजन हमारे को नहीं लग पाई है और हमको परेशानी हो रही है। तो मैंने CMS से पूछा, मैंने कि इनके डॉक्टर साहब ऑक्सीजन क्यों नहीं लगी है? तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, CMS साहब ने, कि विधायक जी इसकी हिसाब से दी जाएगी जितनी ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत है, अगर हम ज़्यादा देंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए कभी कभार हमको हटानी पड़ती है। लेकिन विधायक जी, देखा मैंने कि तीमारदार अंदर सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं, केवल जो सफाई कर्मचारी हैं वो सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो डॉक्टर भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं जा रहे हूँ डॉक्टर। जब CMS मेरे साथ गए हैं RC वर्मा जी, तो डॉक्टर लोग भी जा रहे हैं, वैसे ऐसी बात नहीं थी। किसी मरीज ने मुझे नहीं बताया कि वहाँ पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तीमारदार घूमते दिखाई दिए थे, भावुकता में तो चले ही जाती हैं। नहीं, वो तो है, लेकिन भावुकता में डॉक्टरों पे भी तीमारदार नहीं रुकते हैं, क्योंकि किसी का माता है, किसी के पिता है, किसी के भाई हैं, किसी की सासू माँ हैं, किसी की अब ऐसे रिश्तेदार हैं तो अपने घर वाले हैं, तो इस वजह से जो रुकते नहीं हैं तीमारदार। अब डॉक्टर तो मना भी करते हैं, भाई नहीं आओ यहाँ पर, इनके पास आना ठीक नहीं है, संक्रमण और ज़्यादा फैलेगा, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, भावुकता में आ जाते हैं तो फिर वो भी मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर लोग। विधायक जी, आपने कोई नंबर भी व्हाट्सएप किया है, क्या है वो? हाँ, मैंने अपना नंबर डाला, मेरे प्रतिनिधि हैं हरिंदर जी, मेरे उनका भी नंबर मैंने डाला है, अपना नंबर भी डाला है, व्हाट्सएप भी किया है मैंने, फेसबुक पर भी डाला है। कहीं कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ की, कोई दवाई है या रेविडिशन इंजेक्शन है या कहीं कोई भर्ती होने में दिक्कत है, मैंने अपनी विधानसभा के पूरे क्षेत्रवासियों को ये मैसेज छोड़ा है कि मैं इस कोरोना महामारी में मैं और मेरी साथ सरकार उनके साथ है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी दिनों रात इसी में लगे रहते हैं, मेरे प्रदेश की और मेरे देश की जनता सुखी रहे, अच्छा रहे, अच्छे से रहे और कोरोना महामारी में ज़्यादा परेशानी ना उठा पाए। मैं फिर भी आग्रह यही करूँगा अपने क्षेत्र की जनता से कि जैसा कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो मास्क भी लगाएँ, सैनिटाइज भी करते रहें और घर से ज़्यादा ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो घर से निकलें, अगर ज़रूरी काम नहीं है तो घर से ना निकलें। बीमारी को बीमारी के हिसाब से ही लें। इस कोरोना महामारी चल रही है, ये बीमारी जैसे कहते हैं छूत की बीमारी उड़ के लगती है, तो ये उड़ के लगने वाली बीमारी है। अपने घर से ज़्यादा ना निकलें, कोई बहुत ज़रूरी काम है तो निकलें। मेरा उनसे यही आग्रह है, सभी अपनी क्षेत्र की जनता से। धन्यवाद।